ढक के रख दीजिए। अभी हमने प्याज लिया है, मिर्ची और टमाटर लिया है, चार कड़ी पत्ता लिया है, गरम जीरा है, नमक है और हल्दी है। अभी हम एक कढ़ाई में करेला डालेंगे। करेले को छन्नी में अच्छे से छान लेना। अभी हमने जो प्याज काट के रखी थी वो प्याज ऐड करेंगे और मिर्ची भी ऐड कर देना है साथ में। कड़ी पत्ता 5 से 6 पत्ते रहेंगे। हल्दी लिया हमने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। नमक ऐड करना है 1 टीस्पून, नमक अपने हिसाब से ऐड करना है। जीरा हमने जो दिया था 1 टीस्पून वो ऐड कर देंगे। अभी गैस चालू कर देना है हमें। अभी जो हम टमाटर लिए थे उसको हमने बारीक कट नहीं किया है, क्योंकि छोटे छोटे टमाटर थे तो हमने आधा आधा ही काट के रखा है, हाफ हाफ ही कट किया है। अगर आपके टमाटर बड़े हैं तो आप चॉप कर दीजिएगा। तेल डालना है, तेल भी अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना ही डालिए। लहसुन हमने चॉप नहीं किया है, मीन्स हमने कूट कूट दिया है उसे, और वही हमने ऐसे ही डाल दिया है। अभी हम सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे एक साथ अच्छे से पूरा मिक्स करना है, ताकि सब ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी ज़रा भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ तेल में ही बनाना है। देखिए हमने सब अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर रख देंगे ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। 5 मिनट हम इसे ढक के रख देंगे ताकि वो हल्का सी नरम हो जाए। देखिए 5 मिनट हो गया, हमने इसका ढक्कन हटा दिया। अभी इसे हम वापस से ही लाएंगे। अभी हम इसमें कोथमीर ऐड कर रहे हैं। अभी हम पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हमें इसे ढकना नहीं है, अभी हमें इसे ऐसे ही पकाना है। अभी हम ढक्कन नहीं ढकेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे ही इसे ही मिक्स करते जाएंगे और इसे ऐसे ही पकाते जाएंगे। नीचे लगने नहीं देना है, अगर नीचे लग जाएगा तो ज़्यादा कड़वा लगने लगेगा। सिर्फ हमें ऐसे ही उसको पकाना है बस।
हमने इसे इतनी देर तक के भुना है कि देखिए इसका कलर अलग हो गया है, ये चेंज हो गया इसका कलर। ये हमारा करेला तैयार हो गया है। ज़्यादा इसे ज़्यादा नहीं पकाना है ताकि वो काला काला हो जाए एकदम, उससे टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। आप ऐसे ही बनाइए, इसी तरीके से बनाइए, आपको बहुत अच्छा बनेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक बार ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। देखिए हमारा करेला भी एकदम पूरा परफेक्ट तैयार हो गया है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। रमशा मॉम किचन की तरफ से आप सबको ढेर सारी खुशियाँ। फिर मैं हाजिर होऊंगी आप सब के लिए एक नई रेसिपी लेके। अल्लाह हाफिज़, बाय।